मैक के क्रेजी में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ नई चीजें, नया तरीका, नया जोश के साथ। देखिए आपके सामने क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, जायफल है। इसको जायफल बोलते हैं, इंग्लिश में नटमेग बोलते हैं। इसमें विटामिन ए और सी होता है और इसमें मेटाबॉलिज्म होता है। ये दोनों तीनों चीजें हमारी स्किन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। अगर हम इसका प्रयोग करते हैं डेली लाइफ में तो रियली में मानिए आप हजारों की क्रीमें लगा रहे हैं उसका कोई भी फर्क नहीं दिखेगा, मगर इसका फर्क आपको हफ्तों में दिखाएगा। ये मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तभी मैं शेयर कर रही हूँ। अभी आप मार्केट प्लेस पे जाते हो, देखते हो कि किराने की शॉप में जायफल मिलता है। इसका प्रयोग हम लोग हालांकि स्वाद बढ़ाने के लिए करते हैं, मसाले का जायका बढ़ जाता है, मगर इसका प्रयोग अपने फेस की ब्यूटी इंक्रीज करने के लिए भी बढ़ाते हैं। अगर देखना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे आप अपने फेस के ब्यूटी को इंक्रीज करते हैं। अगर लगातार आपको पिंपल्स हो रहे हैं, पिंपल्स जा नहीं रहे, एक्ने की प्रॉब्लम्स है, तो इसके लिए एक सॉल्यूशन है, सिंपल है, जायफल। जायफल का प्रयोग आप सिंपल गुलाब जल के साथ भी कर सकते हैं और कच्चे दूध के साथ भी कर सकते हैं। गुलाब जल में क्या है, थोड़ा सा गुलाब जल लेते हैं एक चम्मच, उसको थोड़ा सा अपने घर पे जिस पे आप रोटी बेलते हैं उसमें छोटा थोड़ा सा लेके उसको घिसते हैं। घिसने के बाद उसको स्पून पे लेके अपने पूरे फेस पे अप्लाई करें, 10 से 15 मिनट लगाते हैं, फिर छुटा देते हैं। फिर देखते हैं कि धीरे धीरे लगाने से इसका जो असर होता है हफ्तों में दिखाई देता है। दूसरा है कि अगर आपका फेस में बहुत सारे डार्क स्पॉट्स हैं, जा नहीं रहे हैं, तो इसका इजी यूज़ है कि आप कच्चे दूध में घिस के लगाते हैं। इसको भी 10 से 15 मिनट लगाते हैं और हल्के से गुनगुने पानी से धुल देते हैं। इसका फ़र्क आपको हफ्तों में दिखता है। हालांकि मेरे को भी पिंपल्स हुए थे, मेरी दादी माँ ने मुझे ये नुस्खा बताया था, मगर मुझे लगता था कि इसका प्रयोग करने से कुछ फ़र्क नहीं आता, मगर ट्रस्ट, मैंने जब इसका प्रयोग किया, इसका लगाया, तो मुझे लगा हाँ रियली में दादी माँ का जो नुस्खा था वो बेनिफिशियल था। मेरे फेस पे मेरे जितने भी डार्क स्पॉट्स थे, पिंपल्स थे, सब चले गए। मैंने भी बहुत दवा लगाई, ट्यूब्स लगाए, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, अगर आप और भी चाहते हैं कि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लाएँ, लाइक करें, शेयर करें और आगे से आगे बढ़ाएं। थैंक यू वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।